अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोई खाना पकाकर नहीं बता रही हूँ आपको, मैं कोई डिश लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपके बालों को सेहतमंद रखने के लिए एक तेल बनाने जा रही हूँ, जो हमने एकदम आजमाया है और आजमाया हुआ नुस्खा है। इसके लिए मैंने एलोवेरा का एक पत्ता लिया है और गुड़हल के सूखे हुए 6-7 पत्ते लिए हैं, और ताजा गुड़हल भी एक ले लिया है। और ये चीनी गुलाब आप कहीं भी देखेंगे, बहुत हर जगह गार्डन में सबके घरों में रहता है, ये चीनी गुलाब की डंडी है। और थोड़े से मेथी दाने हैं, 1 बड़ा चम्मच। तकरीबन 400 ग्राम के करीब मैंने नारियल का तेल लिया है, कोकोनट ऑयल। और अब हम इसे पकने रखेंगे, ये गरम होगा। और इसे गरम होते होते जब तक हम इन एलोवेरा को हम काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, ये बहुत ही फायदेमंद तेल बनेगा और आप जरूर इसे आजमाना। ये छोटे छोटे पीसेस कर कर हम ये चीनी गुलाब के भी टुकड़े छोटे छोटे करेंगे। ये तेल जब तैयार होगा तो इसे रात को सोते टाइम आप अपने सर में मसाज करेंगे तो हेयर फॉल बंद हो जाता है और बालों में चमक आ जाती है और बाल मजबूत हो जाते हैं। बहुत ही कारामत तेल है और इसे बनाने का तरीका आप सीख लीजिए। हमने सबके पत्तों को, पंखड़ियों को अलग कर दिया। अभी देखिए तेल गर्म होने लगा, अब इसमें हम इसे डाल देंगे। इसे डालकर ये मेथी दाना भी इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे। इसे धीमी आंच पे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये एलोवेरा और फूल एकदम सूख न जाए, एकदम लाल रंग के हो जाए और एकदम कुरकुरे हो जाए, तब हम इसे छानेंगे। आपको बताते हैं कब तक पकाना है। 5 मिनट, 10 मिनट तक पकाइए, फिर देखिए कि पत्ते की और फूलों की कंडीशन क्या है। देखिए झाग आने लगा, अब अच्छी तरह पकने लगा। अब हम आंच को स्लो कर देंगे और इसे खूब देर तक पकने देंगे ताकि पूरा अरक एलोवेरा का और गुड़हल का और मेथी का सब निकल जाए और झाग आएगा ऊपर। इसलिए हम आंच स्लो करके धीमे धीमे चलाएंगे। तकरीबन आधे घंटे तक तो हम धीमी आंच पर इसे चला चला के पकाते रहेंगे। ये तेल की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक आप इसे क्वांटिटी बना लें 1 महीने की, और 1 महीने तक सर पे लगाएं तो आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए धीमी आंच पे। ये फूल वगैरह सब एकदम सूख के हट गए हैं, एलोवेरा कुछ ग्रीन है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं एलोवेरा भी लाल हो जाए तो फिर हम बताते हैं क्या करना है। अब देखिए सब एकदम लाल हो गया, इसका अर्क अच्छी तरह निकल गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद करके थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको छान कर बताते हैं। फिर छानने के बाद देखिए पकने पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मेथी की और एलोवेरा और गुड़हल की। अब हम इसे स्टील की स्ट्रेनर में छान। देखिए मैंने अभी छन्नी से इस तेल को छान लिया है और ये सब जो जले हुए हैं इन्हें हम निकाल कर फेंक देंगे और ये तेल ठंडा होने पे एक कंटेनर में डाल देंगे। और रात को सोते वक्त इस तेल को बालों की जड़ों में मसाज कीजिए, इंशाल्लाह आपके बाल बहुत ही सेहतमंद और गिरना बंद हो जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे। आप मेरे ये इस नुस्खे को जरूर आजमाइए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।